हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों न्यू मिलन एक्वेरियम चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि फिश के फूड से रिलेटेड कि फूड हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है, फूड कौन सा देना चाहिए, फूड हमें होममेड फूड देना चाहिए, ग्रीन फूड देना चाहिए। इस लॉकडाउन के सिस्टम में दोस्तों कई दिनों से, आज 7 से 8 दिन हो चुके हैं कि हमें ये तो लॉकडाउन के अंदर है, हमारे घरों के अंदर ही रहना पड़ रहा है। दोस्तों जितना हो सके सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जितना हो सके हमारे घर के अंदर ही रहे, हमारे ज्यादातर अननेसेसरी जो जरूरत ना होते हुए दोस्तों हम घर से बाहर ना निकले। दोस्तों प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहे बिना वजह के। दोस्तों कोई भी सब्जी किराना तरकारी वगैरह जो भी कुछ ही मेडिकल से जो भी रिलेटेड जो अभी शॉप चालू है दोस्तों, जितनी जरूरत है तो ही जाए हम बाहर, वरना बाहर नहीं जाए। तो दोस्तों अभी के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है हमें फूड का। तो फूड के अंदर दोस्तों कौन सा फूड देना होता है कि जैसा अभी रेगुलर देखेंगे कि फूड के होममेड फूड के अभी फिलहाल अलग अलग तरीके चालू है दोस्तों। कोई रोटी डाल रहा है, कोई चावल डाल रहा है, कोई तरकारी सब्जी वगैरह डाल रहा है। तो दोस्तों ये जो भी फूड होते हैं, तो इमरजेंसी अगर कोई फूड नहीं है हमारे घर में, मछलियों को भूखा मरने से बेहतर बेस्ट है कि हम ऐसी टाइप के होममेड फूड है तो ट्राई करें। लेकिन दोस्तों जितना हो सके हमें इस टाइप के फूड नहीं डालने चाहिए, वो हमें तो कम से कम दोस्तों हमारे पास में जो फूड होते हैं तो इस टाइप के फूड है, तो हम इनमें से दोस्तों जैसा कि आप रेगुलरली अल्टीमा यूज करते होंगे, तो अल्टीमा यूज करते होंगे दोस्तों, अगर इनकेस अल्टीमा का शॉर्टेज होता है लॉकडाउन के प्रोसेस सिस्टम में दोस्तों शॉप वाले के पास में, जो हमें कंपनी चाहिए वो कंपनी का फूड नहीं मिलता है, जो फिश है जैसे कोई उस टाइप के फूड नहीं मिलते, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये फूड ना भी है तो दूसरे हम कोई अल्टरनेट फूड यूज करेंगे। लेकिन जो होममेड फूड से बेस्ट रहेगा दोस्तों, जो कंपनी के बैलेंस किए हुए फूड हमें डालने चाहिए। तो दोस्तों अभी फिलहाल ज्यादातर अभी सभी को शॉर्टेज हो रहा है, तो ऐसा शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है कि दोस्तों इस पेट्स के लिए हम हमारे फिश के लिए कम से कम दोस्तों हम सवेरे अभी गवर्नमेंट ने भी है तो सवेरे 8 बजे से 7 बजे से लेकर 11 बजे से 11 बजे तक जो एक तक इमरजेंसी अत्यावश्यक जो चीजें है दोस्तों, हमें जो लगने वाली रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन चीजों के लिए हमें तो छूट दिए। तो दोस्तों हम उस टाइम में है तो हमारे ये फिश के फूड भी हमें तो ले सकते, तो फिश के फूड भी ले सकते दोस्तों। तो मेरे पास में भी दोस्तों मैंने अभी आज से सोचा है कि हम शॉप बंद रख के दोस्तों शॉप के फिश को भी देख रेख करने नहीं हो रही, बहुत सारी हम शॉप बंद रखने के बाद में शॉप के अंदर भी बहुत सारी जो फिश है दोस्तों हम उसको फूड टाइम पे नहीं डाल रहे, तो बहुत सारी फिश है तो मर रही है, जिसके कारण दोस्तों बहुत बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो दोस्तों अभी फूड का शॉर्टेज ज्यादातर नहीं है, जितना हो सके मेरे पास में सभी फूड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा से ज्यादा है। फ्लोरन है, फ्लोरन के लिए फ्लोरन का स्पेशल फूड होता है वो नहीं है, तो हम अल्टरनेट कोई फूड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी अपने पास में जो फूड है उसको अल्टरनेट में इसमें से कोई भी फूड है तो आप इमरजेंसी है तो कस्टमर को दे सकते हैं, कस्टमर के फिशेस को दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूं, रेगुलर दोस्तों हमारे पास में अल्टीमा का फूड सबसे बेस्ट अच्छी क्वालिटी का चलता है। ये अगर फूड है, ये फूड का स्टॉक मेरे पास काफी बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास स्टॉक है दोस्तों। अगर आप किसी को भी चाहिए तो मुझे कॉल करके आप है तो ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉपर ही सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक शॉप पर आके लेना पड़ेगा दोस्तों, ये कोई डिलीवरी होने वाला सिस्टम नहीं है। और आपके आसपास में दोस्तों, आप अगर मेरे सिटी से बाहर है तो आप अपने आसपास में जो भी शॉप वाले हैं उनको फोन करके ये फूड है तो ले सकते हैं उनसे। तो दोस्तों ये फूड देखेंगे अपने पास में, टाइयो का फूड बहुत सारी क्वांटिटी में है दोस्तों, इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में अल्टीमा नहीं मिलता है तो टाइयो दीजिए, टाइयो नहीं है दोस्तों तो हम ड्राइवर्म्स दे सकते हैं, ड्राइवर्म्स हमारे पास में नहीं है दोस्तों, तो अरवाना का फूड है दोस्तों स्पेशली मेरे पास में। तो अगर इमरजेंसी में दूसरे फूड नहीं है तो उस टाइम में हमारे दूसरे फिश को हम कुछ दिनों के लिए ये फूड के ऊपर भी चला सकते हैं, ये फूड बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों उसके आगे दोस्तों फ्लोरन फिश है आपके पास, तो फ्लोरन फिश के लिए यहाँ पे हैंपी हेड फूड है। और देखिए नेक्स्ट दोस्तों ये ड्राई वर्म्स के, दोस्तों ये एक हेलोपेड्स का एक बढ़िया फ्लेक्स फूड फिश फूड है, ये भी हम देंगे तो फिश के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट फूड देखेंगे टर्टल के लिए, दोस्तों ये टर्टल फूड है। और इसी के साथ में दोस्तों टर्टल के लिए है तो अपने पास में ये वाला कैल्शियम ब्लॉक है, जो ये भी हम डाल सकते हैं, इससे भी टर्टल हमारे स्ट्रांग रहेंगे। और इससे अगर डालने के बाद 2-3-4 दिन तक भी हमारे टर्टल को फूड नहीं देंगे इमरजेंसी में, तो ये भी हमारे टर्टल को बहुत काम आएगा। दोस्तों एक हेलो पेट्स का है तो 100 ग्राम का पैकेट भी काफी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। और अंबर का फ्लोरन के लिए स्पेशली अच्छे क्वालिटी का दोस्तों ये एक फूड है। और दोस्तों ये वीकेंड फूड है और एक हॉलीडे फूड है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके पास में अगर ये टाइप के फूड नहीं है तो उस टाइम में लास्ट टाइम में हम हॉलीडे फूड है इसके ऊपर भी हम फिश को ये है तो दे सकते। तो ऐसा दोस्तों ज्यादातर फिश के फूड का शॉर्टेज अभी तक तो नहीं हुआ है दोस्तों, और अभी आगे भी होगा नहीं, क्यों तो बहुत दोस्तों सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक डेली चालू रहेंगी फूड के लिए स्पेशल।
दोस्तों एक मेरे पास में एक लेटर आया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों मैं आपके सामने इस लेटर को बताना चाहता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादातर घरों से बाहर मत निकलिए, प्लीज अपनी केयर कीजिए और अपने खुद सेहत का ख्याल रखिए। दोस्तों अगले वीडियो में और मिलते हैं, थैंक्स।